Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Aisha Joshi, and you are watching me on the channel of Achieve IAS. So here it is, 8th of September 2020, and we are going to take today's The Hindu news analysis. So the first news is government interventions in education policy should be minimal, it is said by PM. People's doubts must be addressed before NEP implementation, said Modi. Basically what happens, government ने जो नई scheme जो policy launch की है education policy से related, उसे पूरी तरीके से implement करने से पहले लोगों के doubts clear करना, उन्हें इसके बारे में बताना, ये इन सब चीज़ों की ज़रूरत है. मैं आपको बता दूँ कि education policy पर जो है discussion हुआ है, उस discussion के basis पर ये डिसीज़न लिया गया है. और इन्होंने जो है कॉन्फ्रेंस जो हुई गवर्नर्स की, उसके तहत NEP पर के इनॉग्रल सेशन को ऑर्गेनाइज किया, उसे एड्रेस किया और उसके अंदर इस एजुकेशन पॉलिसी को एक्सप्रेस किया. ठीक है, गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन इन द एजुकेशन पॉलिसी शुड बी मिनिमल बेसिस पर होनी चाहिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन. एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये बात मंडे को बताई है. उन्होंने पॉलिसी जो है पूरी कंट्री से बिलोंग करती है, इस बात पर इम्फेसाइज किया है. और उसी के साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो है ये कोई गवर्नमेंट पावर्स पर बेस्ड नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की जो जनता है, पूरे देश की जो युवा है, एजुकेशन से रिलेटेड जो एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी पर बेस्ड है ये एजुकेशन पॉलिसी. इसी के अलावा उनका ये कहना था, द एजुकेशन पॉलिसी एंड द एजुकेशन सिस्टम आर इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ फुलफिलिंग द एस्पिरेंट्स और एस्पिरेशन ऑफ द कंट्री के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीन है एक एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन सिस्टम. सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स जो है या लोकल बॉडीज़ ले लीजिए, उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो इस एजुकेशन पॉलिसी को प्रॉपरली जो है रिस्पॉन्सिबल वे में इम्प्लीमेंट करें. एजुकेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीन ऑफ सोशल जस्टिस एंड पर्सनल एडवांसमेंट. देर इज़ नो बेटर इन्वेस्टमेंट दैन दैट इन एजुकेशन टू इम्प्रूव द फ्यूचर ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी के फ्यूचर को इम्प्रूव करने के लिए और उसकी एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्रूव करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, ये एक सबसे बेटर इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन में, है ना. तो ये सारी चीज़ें जो है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कही गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कही गई ये स्टेटमेंट्स थे. ठीक है, तो इसके बेसिस पर जो डिस्कशंस किए गए हैं, उन डिस्कशंस को होल्ड कर लिया गया है. इसके आगे जो भी क्वेश्चंस एक पेरेंट के माइंड में आते हैं, जो टीचर्स जानना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा, तो टीचर को एक जो है सर्कुलेशन या हम कह सकते हैं क्यूरिकुलम डिज़ाइन किया गया है टीचर्स के लिए, जिससे कि सारे टीचर्स को एज वेल एज पेरेंट्स को ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ये फंडास क्लियर हो जाएंगे दैट व्हाट इट इज़, व्हाट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और इसके तहत क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो देखे जाएंगे और नई एजुकेशन पॉलिसी में किन किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा. ठीक है, और गोल क्या होगा, GDP से रिलेटेड क्या परसेंटेज कैरी करेगा, पब्लिक इंटरवेंशंस क्या होंगे, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस क्या होंगे, ये सारी चीज़ें जो है इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर किया गया. द नेक्स्ट इज हाइपरसोनिक क्रूज व्हीकल टेस्ट पुट्स इंडिया इन अलाइट क्लब. DRDO सेज इट विल हेल्प डेवलप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स. ये हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी वॉज सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड बाई दी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ DRDO ऑन मंडे विथ अ फ्लाइट टेस्ट ऑफ द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल. ओके, डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल दैट इज HSTDV विच विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंड व्हीकल्स इन फ्यूचर. सो हाइपरसोनिक क्रूज व्हीकल जो है उनका टेस्ट किया जाएगा. DRDO ने कहा कि वो हेल्प करेंगे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप करने में HSTDV की. ओके, इट्स मेजर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू इन द कंट्री. दिस टेस्टिंग पेव्स द वे फॉर डेवलपमेंट ऑफ मोर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी. ओके, मोर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज मटीरियल्स एंड हाइपरसोनिक व्हीकल्स. दिस पुट इंडिया इन अ सेलेक्ट क्लब ऑफ select club of nations that have demonstrated this technology. DRDO chairman G. Satish
रेड्डी सेड अ टेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर वॉज कंडक्टेड इन जून 2019 विद दिस सक्सेस ऑल क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज आर नाउ एस्टेब्लिश्ड टू प्रोग्रेस ऑफ और टू द नेक्स्ट फेज. This is said by Rajnath Singh. By he tweeted this particular statement. Okay, so possibly हम ये कह सकते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ एक नया कदम है जिसके लिए हेल्प करेगा DRDO और वो हेल्प करेगा HSTDV की जिसके अंतर्गत हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को जो है किया जाएगा डेवलप किया जाएगा और उसके अंदर जो है इंडिया जो कि इंडिया को इंडिया के क्लब को एलाइट क्लब को हेल्प करने में या एलाइट क्लब को इम्पोज किया जाएगा उसके अंदर जिससे कि बेस्ट क्रूज मिसाइल्स जो है आउटपुट निकल सके. उसके अलावा नीड फॉर स्पीड अ फीचर ऑफ द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल. व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ इट. इट अटेन्ड अ स्पीड ऑफ मैच सिक्स और सिक्स टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड. साउंड की स्पीड से भी 6 गुनी ज़्यादा स्पीड कैरी करेगा. इसके अलावा रीच्ड एल्टीट्यूड ऑफ 30 किलोमीटर वेयर हीट शील्ड्स सेपरेटेड एट हाइपरसोनिक स्पीड. हीट शील्ड जो है उसे अलग हो कर दिया जाएगा या वो अलग हो जाएगी हाइपरसोनिक स्पीड से. ये कब होगा जब ये 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे पहुंच जाएगा. इट यूजेज स्क्रैमजेट इंजन इन विच एयर एंटर्स एट सुपरसोनिक. एयर सुपरसोनिक में एंटर कर पाएगी और ये तब होगा जब ये स्क्रैमजेट इंजन्स को यूज़ करेगा. ठीक है, और उसी के बेसिस पर होगा सुपरसोनिक स्पीड को जब कैरी करेगा और इससे हाइपरसोनिक स्पीड बाहर आएगी. जब ये जैसे ही एयर एंटर करेगी सुपरसोनिक स्पीड के तहत तब हाइपरसोनिक स्पीड से वो बाहर आएगा. इट विल हेल्प डेवलपमेंट ऑफ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल. ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप करने में हेल्प करेगा. उसके साथ ही मोस्ट मिसाइल्स यूज द रामजेट इंजन विच ऑपरेट्स एट सुपरसोनिक स्पीड ऑफ अप टू मैच थ्री तक का जो सुपरसोनिक स्पीड है उसको कैरी करेगा ऐसा इंजन रामजेट इंजन ये यूज़ लिए लेंगे मिसाइल्स में. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें. इसके अलावा भी जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं इस सैटेलाइट्स इन क्रूज मिसाइल से लेकर वो आपके इस पर्टिकुलर सेक्शन में दी गई है. टेम्परेचर एंड एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्कस्ड है ओनली एंड यू कैन गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स. और इसके अंदर अब्दुल कलाम आज़ाद सर हैं APJ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जिनके बेसिस पर जिन्होंने भी जब मिसाइल लॉन्च की थी तो उससे रिलेटेड काफ़ी जो उन्होंने फॉलो की थी चीज़ों को उन सारी चीज़ों को यहाँ पे इम्पोज किया जाएगा इन मिसाइल्स को बनाने में. ओके सॉरी थोड़ा सा आज थोड़ा गड़बड़ हो गई है. या द नेक्स्ट इज सेंटर लॉन्चेस 24/7 टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहैब हेल्पलाइन. सेंटर ने 24/7 टोल फ्री मेंटल हेल्थ जो रिहैब ऑनलाइन है उसे हेल्पलाइन जो है उसे लॉन्च किया है. ये उन लोगों को हेल्प करेगा जो एंग्जाइटी या स्ट्रेस को सफ़र कर रहे हैं. जो लोग एंग्जाइटी स्ट्रेस डिप्रेशन सुसाइडल थॉट्स या इन सारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको सफ़र कर रहे हैं उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए जो लोग उनको फेस कर रहे हैं इन सारी प्रॉब्लम्स को उन लोगों को जो है सपोर्ट करने के लिए हेल्प करने के लिए यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्ट्री ने जो है ये 24/7 का टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहैब हेल्पलाइन स्टार्ट किया है. ठीक है, द मेंटल हेल्थ रिहेबिलेशन हेल्पलाइन दैट इज़ किरण कैन बी कॉल्ड फ्रॉम द लैंडलाइन एंड मोबाइल फ़ोन्स. आप मोबाइल फ़ोन्स या लैंडलाइन से ऑल ओवर इन कंट्री कहीं पर भी आप कॉल कर सकते हैं ऐसा मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है. इस स्टेटमेंट के तहत द मिनिस्ट्री सेड द हेल्पलाइन हैड बीन लॉन्च्ड इन व्यू ऑफ द ग्रोइंग इंसिडेंस ऑफ मेंटल इलनेस. मेंटल इलनेस की जो बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स है उसको देखते हुए इसे लॉन्च किया गया है स्पेशली COVID-19 पेंडेमिक के समय कुछ ज़्यादा ही जो है ऐसे केसेस सामने आए जिसके अंदर एंग्जाइटी स्ट्रेस डिप्रेशन सुसाइडल थॉट्स एंड मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उन्हें देखा गया और इसमें प्रोफेशनलिज्म की कमी होने के कारण लोग जो है जॉब में नहीं थे और प्रोफेशनलिज्म की कमी थी. इसके अलावा जो और भी अगर हमने जैसे बात की ऑनलाइन लॉन्च इवेंट्स पर हमने जॉइंट सेक्रेटरी प्रबोध सेठ से जब बात की तो उन्होंने बताया कि देर वाज अ शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स व्हाइल 10.6% ऑफ एडल्ट्स एंड 7.3% ऑफ एडोलेसेंट्स फेस
mental illness. According to the NIMHANS survey 2015-16, he said the helpline operators had been sensitized not to ask called for name or any identification detail. किसी तरह का कोई identification detail, कोई name, कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा. They will just ask you your problems and definitely they will tell you what to do and what will be the steps to do for. Okay. इसके अलावा 13 languages में conduct होगा, 660 clinics, clinical rehabilitation psychologist या 668 जो हम कह सकते हैं psychiatrist जो है volunteers के तौर पे आपके लिए work करेंगे. ठीक है. ये जो हेल्पलाइन है वो फॉर्मली लॉन्च की गई थी सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्ट्री द्वारा, मिनिस्टर थावरचंद गहलोत द्वारा मंडे को, और टेस्टिंग हैज़ बीन ऑन सिंस लास्ट मंथ. ओके, लास्ट मंथ से टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है. एंड पी स्पीकिंग ड्यूरिंग द वर्चुअल लॉन्च डॉक्टर अमृता साहे ऑफ द National Institute for the Empowerment of Person with Intellectual Disabilities, that is NIEPED, said the helpline was already receiving calls from schools and college students anxious due to COVID-19 pandemic. Okay, COVID-19 pandemic के चलते जो school और college के students हैं जो काफ़ी anxious feel करते हैं या कुछ भी ऐसी problems नज़र आती है, कुछ symptoms या depression नज़र आता है उनमें, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए उनको बाहर निकालने के लिए ये helpline बहुत helpful होगी और काफ़ी जो है उनको इन चीज़ों से बाहर निकालने के लिए काफ़ी अच्छे outcomes जो है हमें मिलेंगे. ठीक है. The next is China's LAC aggression, India's obfuscation. Basically what it is, there are important reasons for the government's confusing claims and political grandstandings and blurring of facts. For a political party that never misses out on even a remote opportunity to indulge in aggressive military talks, the Bharatiya Janata Party and the government led by it seem to be sending out confusing signals about the ongoing India-China standoff on the LAC. जो अभी recent जो conditions LAC पर चल रही है, India-China disputes जो चल रहे हैं उनको देखते हुए अभी recently जो है जिस तरह की बातचीत भारतीय जनता पार्टी जो कि बहुत ही bold पार्टी है और आज तक military जो है imposition और बहुत अच्छे से decisions लिए हैं और बहुत aggressiveness के साथ में और बहुत clear decisions जो है सामने आए हैं, उन सबको देखते हुए वी कैन से दैट जिस तरह की चीज़ें अभी चल रही हैं अभी एट प्रेजेंट बीजेपी से या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है हमें बहुत क्लियर या आउट जो हम कह सकते हैं क्लियर सिग्नल्स या जो क्लियर आउटपुट्स हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं. उनके सिग्नल्स बहुत ही कंफ्यूजिंग हैं जो हमें इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के बारे में बताते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स अबाउट द चाइनीज एग्रेशन एंड स्टार्टेड ट्रिकलिंग इन फ्रॉम April this year, and yet there continues to be little clarity even today either in the country's strategic community or the general public community and the general public on the exact nature of developments on the India-China border. देखिए जहाँ पे पूरी देश की जनता ये जानना चाहती है कि LAC पर क्या हो रहा है, इंडिया चाइना बॉर्डर पर क्या हो रहा है, वहीं पर जहाँ मिनिस्ट्रीज हैं वो भी रिक्वायर कर रहे हैं और भी लोग जो कि जो क्लैरिटी चाहते हैं इस पर्टिकुलर मुद्दे पर, उन्हें सरकार की तरफ से कोई क्लियर रिप्लाई या रिस्पांस जो है वो नहीं मिल पा रहा है. तो यहाँ इस पूरे जो आर्टिकल है उसके अंदर अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी पुट किए गए हैं, मतलब LAC से बेस्ड जो भी गवर्नमेंट से आंसर क्वेश्चन किए जा रहे हैं उनके आंसर अब तक जो नहीं मिले हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया है कि मिलिट्री से रिलेटेड जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनके क्या आंसर्स है. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जो प्रश्न पूछे गए हैं चाइना भारत के संबंधों के आधार पर, उनके भी क्लियर आंसर्स या प्रॉपर आंसर्स हमें नहीं मिल पाए हैं. ठीक है. सो इवन बेसिक क्वेश्चंस जो है वो भी अनआंसर्ड ही नज़र आ रहे हैं. वहीं अगर सॉफ्ट स्टेप्स की बात की जाए तो सॉफ्ट स्टेप्स एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है दोनों कंट्रीज़ के बीच में. और इसके अलावा टू एंड हाफ फ्रंट सिचुएशन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. वेस्ट सपोर्ट जो है वो हमें बहुत लिमिटेड मिल रहा है वेस्ट की तरफ से, उसे भी यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे डिप्लोमेटिक अप्रोच जो है कंट्री की बीजेपी की रही है आज तक और कैसे हमारे दूसरे कंट्रीज से रिलेशन रहे हैं, उस बेसिस पर हमें किन किन कंट्रीज से सपोर्ट मिल रहा है और वेस्ट कंट्रीज से वेस्ट एरिया से हमें कोई सपोर्ट जो नहीं मिल रहा है उसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है.
इसके अलावा जो जो अल्टीमेट डिसोनेंस है उसको यहाँ डिस्कस किया गया है। बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो है उनके क्लेम्स काफ़ी कंफ्यूजिंग है, पॉलिटिकल जो है ग्रैंड स्टैंडिंग नज़र आ रही है, ऑब्फिस्केशंस नज़र आ रहे हैं फैक्ट्स को लेकर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उन चीज़ों को प्रॉपरली या तो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, अदरवाइज इन सारी चीज़ों के थ्रू इंडिया की कम्युनिटीज़ जो है इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी वो उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो चाइना से कैसे, चाइना का कोई डर है या चाइना से रिलेटेड कोई ऐसे कन्फ्यूजन है जिसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। इन टाइम्स ऑफ मेजर क्राइसिस, जिस समय हम मेजर क्राइसिस से सफ़र कर रहे हैं, उसी समय LAC से रिलेटेड ये इश्यूज़ क्रिएट हो जाना, क्राइसिस क्रिएट हो जाना, ये कंट्री के लिए बहुत हार्मफुल शो हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें बीजेपी जिस तरीके से कंफ्यूज है, जिस तरीके से सिचुएशन चली आ रही है, जिस तरीके की सिचुएशंस हमें देखने को मिल रही है बॉर्डर पे, वी नीड अ क्लियर यू नो ट्रांसपेरेंसी और क्लियर साइंस ऑफ गवर्नमेंट एट ऑल। नो मैटर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, बट वी नीड अ क्लेरिफिकेशन बिकॉज समवेयर इंडियंस आर दैट मच क्यूरियस अबाउट इट एंड दे हैव द राइट्स टू नो अबाउट इट। ओके, द नेक्स्ट इज़ द सर्च फॉर एन एंड टू द कॉम्प्लेक्स नागा कॉन्फ्लिक्ट। नागा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नागा पीस से रिलेटेड जो मैटर है उसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब ये नागा कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे एंड होगा, उसका ये एंड कहाँ है, इसे ढूंढने की ज़रूरत है। और जितना कॉम्प्लेक्स ही हो रहा है मैटर, उसे कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, उसे यहाँ डिस्कस किया गया है। सेंटर मस्ट नोट दैट मोस्ट आर्म्ड इंसर्जेंसीज फाइंड रेजोल्यूशन इन अ ग्रे जोन कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज। अल्टीमेटली ग्रे जोन, जिसे कॉम्प्रोमाइज़ कहा जाता है, अल्टीमेटली वहाँ पे जो है फाइंड रेजोल्यूशन देखने को मिलता है मोस्ट इंसर्जेंसीज का, आर्म्ड इंसर्जेंसीज का। सो समवेयर सेंटर को ये नोट करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो है इस पूरे मुद्दे से कैसे निकलना है, किस तरीके से सीज़ फायर और फैक्शंस को यहाँ डिस्कस किया गया है, कल्चर ऑफ एक्सटॉर्शन, अदर देन दिस अनईज ओवर इंटरप्रिटेशंस एंड द लास्ट वर्ड्स आर हेयर। सो जो नागा से रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट को सेंटर को कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए, कैसे मुद्दों को जो है सुलझाने की ज़रूरत है, जिस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ नाम का जो वर्ड हो रहा है, अल्टीमेटली वो जो एंड में नज़र आता है, उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। और वो चीज़ें सॉर्ट आउट तभी होगी जब पीसफुली गवर्नमेंट उस पर वर्क करेगी। ठीक है, सेंटर पीसफुली उस कॉन्फ्लिक्ट को लेगी और उस कॉन्फ्लिक्ट को इजीली जो है हम कह सकते हैं जिस तरीके से नागा पीपल्स वांट मैटर टू सॉल्व, उस तरीके से सॉल्व किया जाए तो पॉसिबली ये मैटर यहाँ पे सॉर्ट आउट हो सकता है। ठीक है, चाइना से रिलेटेड, उसके एग्रेशन से रिलेटेड और नागा कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, तो ये सारा जो मुद्दा है इस तरफ का, ये जो हम कह सकते हैं ईस्टर्न एरिया में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उन सब मुद्दों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। और उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको सेंटर को नोटिस करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल रूट जो है, पॉलिटिक्स की जो रूट है, वो अब कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रही है रीजनल एरियाज़ के तहत। ठीक है, तो उन्हें कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की और हम कह सकते हैं क्लैरिटी की ज़रूरत है। ठीक है, It is all about it. Let's go for the next article. Deal in danger. A no deal Brexit has economic cost and puts at risk the hard-won peace in Northern Ireland. British Prime Minister Boris Johnson's move to set an October 15 deadline for reaching a post-Brexit UK-EU trade deal has raised fear of no deal scenario. कोई डील ही ना हो, ऐसी सिनेरियो क्रिएट का एक डर जो है वो क्रिएट हो गया है यूके ईयू ट्रेड डील के बीच में। ब्रेग्जिट, पोस्ट ब्रेग्जिट जो डील डिसाइड की गई है, 15th जो अक्टूबर डेडलाइन दी गई है इसके लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन द्वारा, वो कहीं ना कहीं एक डर क्रिएट कर रही है नो डील सिनेरियो के तहत। व्हाइल हिज स्ट्रीट थ्रेट हैंग्स लाइक दिस वर्ड ऑफ डोमोसल्स अबोव द नेगोशिएटिंग टीम, जो भी नेगोशिएट कर रहे हैं उनके ऊपर एक तलवार की तरह लटक रहा है उनका डर, एंड उनकी जो तलवार लटक रही है वो एक बहुत डर क्रिएट कर रही है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ रिपोर्टेडली प्लानिंग अ पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट वुड ओवरराइड पार्ट्स ऑफ द विड्रॉल अग्रीमेंट्स, द डाइवोर्स डील साइंड बिटवीन द यूके एंड ईयू लास्ट ईयर। यूके और ईयू के बीच में लास्ट ईयर जो साइन हुई है डील,
डाइवोर्स डील, उससे रिलेटेड उसे विड्रॉल करने हैं, उसके ओवरराइड पार्ट्स को यहाँ पर दर्शाया गया है. द एग्रीमेंट हैज़ सॉट टू अवॉइड अ हार्ड border coming up between Northern Ireland, which is part of the UK and the Irish Republic and EU members. Okay, so according to the Northern Ireland Protocol signed alongside the agreement, the region of region is expected to follow some EU rules in trade with the Irish Republic. The hard Brexiteers in Mr. Johnson's Conservative Party were critical of this clause, claiming that it endangers the UK's sovereignty. Now, the planned domestic legislation and the internal market and the finance bills now will allow UK courts to follow new UK laws rather than the divorce agreements. Okay, so Northern Ireland leaders have already called it a betrayal. The real risk of cutting the region of the EU customs code is that physical check could emerge between the two islands and threatening the Good Friday Agreement that brought peace. Okay, so they should instead respect the withdrawal agreement and be flexible in the talks as well as on deadlines. Both sides should focus on reaching a consensus on trade and other future relations and not on ending the relationship at any cost. So it is all about the relationship, the trade relationship, or the I can say economic relations between the countries, the following countries of EK, EU, and all the situations what are going on in between these countries. Okay, and the trade situations, the trade complexities which are going on between these countries, the world trade, which is quite conflicted, or I can say complexity is here in these particular matters. Okay, so it is all about it. The next is test by choice. India needs a more nuanced अप्रोच टू COVID-19 टेस्टिंग. COVID-19 टेस्टिंग से रिलेटेड यहाँ पे पूरे मुद्दे को बताया गया है. टेस्ट बाय चॉइस को यहाँ डिस्कस किया गया है. सितंबर 4 को इंडिया ने 4 मिलियन नोवल कोरोना वायरस केसेस को क्रॉस कर लिया है और 13 डेज जो है आफ्टर क्रॉसिंग 3 मिलियन क्रॉस करने के 13 डेज बाद ही 22 अगस्त को ये जो डेडलाइन है 22 अगस्त को बेसिकली 3 मिलियन जो है हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके थे और जस्ट आफ्टर 13 डेज हमने 4 मिलियन केसेस क्रॉस कर लिए 4 सितंबर को. द फ्रेश केसेस जो रिकॉर्ड किए गए हैं वो टोटल केसेस जो रिकॉर्ड किए गए 90,070 हैं चाइना के, बहुत पहले रिकॉर्ड किए गए थे. ऑन संडे इंडिया सरप्राइज ब्राज़ील टू रिकॉर्ड दी सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेज इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सेकेंड हाईएस्ट केसेज जो ब्राज़ील के अंदर थे उसे भी इंडिया क्रॉस कर चुका है. अब इंडिया सेकेंड पोजिशन पर आ चुका है और जिस तरह की कंडीशंस हमें दिखाई दे रही है, जिस तरीके से कंटिन्यूसली केसेज बढ़ते चले जा रहे हैं, हर दिन 50, 60, 70, 80,000 क्रॉस कर रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन जहाँ पर कंटिन्यूसली केसेज क्रॉस करते चले जा रहे हैं. देखिए, फर्स्ट हम बात करें जुलाई के अंदर, जुलाई लास्ट वीक में 50,000 केसेज पर डे आ रहे थे. अगस्त के अंदर बात करें तो फर्स्ट वीक के अंदर करीब 60,000 केसेस रहे. वहीं अगर हम फोर्थ वीक की बात करें तो 70,000 रहे और आफ्टर दिस जब हम सितंबर में एंटर किया हमने तो फर्स्ट के डे फ्यू डेज के अंदर ही 80,000 केसेस हम क्रॉस कर चुके हैं. तो अल्टीमेटली वी कैन से हम अपनी जो एक वो कह सकते हैं कि केसेस की जो लिमिट है उसे क्रॉस करते ही चले जा रहे हैं हम. There is also the possibility of an over-reliance of antigen testing to cope with the growing demand for testing and more nuanced, more nonsense approach to testing guidelines is therefore necessary. Okay, जिस तरीके से ओपन कर दिया है गवर्नमेंट ने कि टेस्ट बाय चॉइस इज पॉसिबल और हम जो है अकॉर्डिंग टू द अपने जो चॉइस के बेसिस पे टेस्ट करवा सकते हैं, अपनी कैपेसिटी को इसके बेसिस पर जो कैपेसिटी हमारी टेस्टिंग की हम उसे भी क्रॉस कर रहे हैं. जिस तरीके से केसेस बाहर आ रहे हैं, केसेस क्रॉस होते चले जा रहे हैं, हम फर्स्ट पोजीशन पे आने वाले हैं जल्दी ही. और उसके साथ ही जिस तरीके से केसेस कंटिन्यू चलते चले जा रहे हैं तो जो टेस्टिंग किट्स है उनसे रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो भी सामने आने की पूरी पूरी संभावनाएँ बनती हैं. ठीक है,
तो COVID-19 टेस्टिंग से रिलेटेड इंडिया को एक प्रॉपर अप्रोच की ज़रूरत है, एक प्रॉपर वे से अप्रोच करने की ज़रूरत है, प्रॉपर टेस्टिंग की नीड है, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई गई है। ठीक है, तो आज हमने सारे आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड कोई भी इशू है जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई ऑलवेज बी देयर टू रिप्लाई यू। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद मी।